नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी प्री के पर स्वागत है आपका। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस महिला दिवस के आज के मौके पर जितनी भी महिलाएं हैं उनको भगवान बहुत शक्ति प्रदान करे, ताकि वो, क्योंकि वो महिला ऐसी शक्ति है, नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जो बहुत से रिश्तों में बंधी है। एक माँ, एक बेटी, एक बहू, एक सास और बहुत सारे रिश्ते हैं। और नारी के बिना इस जीवन का, इस संसार का कोई ही मतलब नहीं है। नारी के द्वारा ही संसार चलता है। और नारी के द्वारा, मतलब चाहे हम जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, चाहे किसी में, नारी के द्वारा ही संसार की उत्पत्ति हुई है। तो इसी के उपलक्ष्य में मैं आपको एक, मतलब हमें नारी शक्ति, जो आज नारी दिवस है, महिला दिवस है, इस मौके पर महिलाओं को हमें मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो अपने, जो भी महिलाएं अभी बैठी हैं, मतलब थोड़ा, मतलब बहुत सारे केसेस आते हैं आज के टाइम, तो हम बोलते हैं महिला दिवस है, बट कल से हमें आए दिन वही सुनने के लिए मिलेगा, महिला ने आत्महत्या कर लिया है, महिला ने दहेज के लिए उसे मारा गया, पीटा गया। सो बहुत सारी स्टोरीज मिलती है सुनने को। तो ये सब बंद होना चाहिए। और महिला के इस मौके पर उनको मोटिवेट करना चाहिए किसी अपनी बातों के माध्यम से, या लोग उन्हें एक राह दिखाए कि तुम ऐसे भी कर सकते हो, अगर जिसको भी कोई प्रॉब्लम है तो, और अपनी प्रॉब्लम खुल के, क्योंकि आजकल तो सरकार ने भी महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कर दी है, अगर चाहे कोई किसी भी तरह से उनको प्रॉब्लम है। तो इसी के माध्यम से मैं एक कविता सब महिलाओं को अपनी स्वरचित कविता कहना चाहती हूँ, ताकि वो, उन्हें थोड़ा मोटिवेट हो पाए मेरी कविता से, और उन्हें लगे कि हाँ, अगर उन पर कोई जज्बा है, हौसला है, या कोई भी नारी हो, जो भी, मतलब होता है कि हम मैं नहीं होंगी, आप नहीं होंगे जो मेरी वीडियो देख रही, पर इक्का दुक्की एक दो तो हो ही जाती है जो ऐसी दबी हुई होती है, अपने सपनों को दबाए रखती है या कुछ भी। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी अपनी कविता के माध्यम से। तो मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये कविता पसंद आए। प्लीज़ आज के दिन नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए इस कविता को लाइक करिए, और कविता अगर हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हो आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बता रही हूँ। तो कविता है, नारी मत खो अपनी पहचान, कहीं खुद ही तू खुद को ना पहचान पाए। नारी मत खो अपनी पहचान, कहीं खुद ही तू खुद को ना पहचान पाए। कितनों की भीड़ में अंदर ही अंदर अपने गम छुपाए। कितनों की भीड़ में अंदर ही अंदर अपने गम छुपाए। हिम्मत कर हौसला रख, खुद ही खुद का साथ दे। डगमगाए अगर कदम, मत घबरा। उठ फिर चल, गिरते उठते, एक दिन तू अपनी पहचान बनाएगी। बाहर ना झांक खुद के अंदर झांक देख तू कहाँ है। अपने वजूद को ना मिटने दे। तू आग है जला देगी। सिर्फ खुद के अंदर एक चिंगारी तो जला। उठ अपना सो कर मजबूत और पूरा कर अपना सपना। चाहे हो ना हो कोई अपना। खुद की लड़ाई खुद कर। अपने पंखों पे उड़ान भर। नया सवेरा आएगा जो तुझको तेरी पहचान दिला जाएगा। तो आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस पोएम को, मेरी स्वरचित कविता को। तो मिलते हैं नई वीडियो, नए ब्लॉग के साथ। और आज के लिए ये पोएम नारी शक्ति के लिए। तो बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।